settimo chilometro, come un shanayuni, rottam ceti vidam chaturvidhani, vaipuro, अभिया जनाधिपति चिरीवंतो भरतेश्वर मंगलम ये नित्य कुशला ज्ञान धरा बलिनो ये बुद्धि भूषण सप्तैते सकलार्चित गणव्रत कुर्वन्तु नो मंगलम् कैलाशे वृषभस्य निवृत्तिमहि वीरस्य वामापुरे चम्पायां सुपूज्य सज्जनपते संमेधिशैलेखतामपिचोचयन्ति शिखरे नेमीश्वराशारदो निर्वाणानन्यप्रसिद्धविभवा सर्वभावविलसाभवत्यसिलितासुपुष्पदामायते संपादित रसायनं विषमपि प्रीतिं वेद्य तेरुः देवायान्ति प्रसन्नमनश्च मनश्च प्रसन्नमनसा किम्बाबहू धर्मादेव नमो विवर्षिति नगे मंगलम् ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरो कुला ज्योत था जंबू कामन चैत्य शाखी तथा पक्षों प्याभू इच्छ्वाकार गिरोच कुंडल नगे दीपे चलन दीशके शैले मंजो करे हिंदा मंगलम् गर्भवागतिरो सदो भगवान् ब्रह्मानुषे पुष्करो प्रवेश महिमा संभादिता सर्वी कल्याणानि सतुपानि मंगलम् मंगलाश्रकमिदं सौभाग्यसंपत्करम् कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थङ्कराणां ईशानवन्ति पठन्ति तस्य सुजना धर्मार्थिका मन्विता लक्ष्मीराशे व्यपायरहिता निर्माणलक्ष्मीरपि 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 दर्शनं देवदेवस्यं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं सर्वसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन्द्रियाणां साधूनां वन्दने च न चिरं तिष्ठे पापं शीघ्रहस्तयोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पदं रागसम्प्रभं जन्मजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूरस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधं चित्तपदस्य समर्थार्थ प्रकाशनम् दर्शनम् जिनचंद्रस्य सद्मामृत वर्षणम् जन्मदाह विनाशनाय वर्धनम् सुखवारिदे जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्ति मुख्याश्रवणार्हवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमोजिनाय चिदानंदाय कुरुपाय योगिनाय ब्रह्मात्मने परमात्म प्रकाशाय सिद्धात्मने नमः शरणं नास्ति स्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष दिनेश्वर रक्ष परमेश्वर जिन धर्म मुक्तो
जन्म कोटिपमर्जित जन्म मृत्युते जिंदो चरण अथ त्रिलोक तिलक प्रतिभास्ते मे संसार वारिधयं च रूपवा प्रमाणम्। हाँ दीदी, माइक ऑन करिए अपना। अर्चना दीदी, हाँ पंडित जी रेडी है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी रेडी हो? हाँ। आज आपको पंडित जी की उपाधि मिल गई। स्टार्ट करें आंटी? हाँ स्टार्ट करिए। चलिए बोलिए, आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारिश्नाथ भगवान की जय। जय जय। शांति धारा का अकाउंट इसमें डाल लीजिए, लोग मांग रहे हैं। मंदिर का अकाउंट जो है डाल दिया? नहीं मम्मी ने अभी डाला। हाँ डाल दीजिए। निशी जी ज्वाइन हुई हो तो निशी जी आप लिख लीजिए अकाउंट नंबर। मंदिर का अकाउंट है ये? कल भी डाला था। हाँ कल भी डाला था। आज के नाम क्रांति धारा के महावीर कुमार, मनोज कुमार, 6-7 तारीख का कोई आया नहीं है। हाँ चलेंगे हम। सभी लोग एकाग्र हो जाइए, एकाग्र चित्त कर लीजिए शांति धारा की ओर। शांति धारा मात्र देखना ही नहीं है, अपने अंदर भी वो धारा प्रस्थापित करना है। सभी लोग एकाग्र चित्त होकर सोचिए, आप अपने अपने मंदिर में बैठे हैं, जो आज मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हमारे सामने पारिश प्रभु सुंदर मनोहर प्रतिमा
और वैसे ही सुंदर मनोहर हमारे मन मन रूपी मंदिर में परेश प्रभु को विराजमान करिए और उसमें शांति की धारा बहती रहे, इसी भावना के साथ चलते हैं हम अभिषेक की ओर। बोलिए देव देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। जय जय चिंतामणि पारिश्नाथ भगवान की जय। जय जय दवेरणल्प घन सार चतुस्समादे रामोदवासित समस्त दिगंत राले मिश्री कृतेन पयशा जिन पुंगवाणा त्रैलोक्य पावन महम स्नपणम करोमि। ओम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आदरणामाते जम्मू दीपे भरत छंदे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते नाम नगरी वैजापुर मध्ये 1008 पार्श्वनाथ जिनचे त्यालय मध्ये पौष मासे कृष्ण पक्षे तिथि नवम्यान मुनि आरिकाणाम दिन गुरु आश्रय मुनि आरिकाणाम श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्म क्षयार्थम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। दूरावणम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि घूसरांग्री प्रस्वेद ताप मल मुक्तमपि प्रकोष्ठे भक्ता जलेर जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपाल संतं विश्वादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्ये जम्मू दीपे भरत छेंदे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नाम नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चिंतालय मध्ये पौष मासे कृष्ण पक्षे तिथि नवम्यां दिन गुरुवासरे मुनि आरिकाणाम श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्म क्षयार्थम जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टैर्मनोरथ सतैरिव भव्यपुंसाम् पुनै सुवर्ण कलसे निखिलावसानम् संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम श्रीमत्तम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्ये जम्मू दीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नाम नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चेतालय मध्ये पौष मासे कृष्ण पक्षे तिथि नवम्यां दिन बुधवासरे मुनि आरिकाणाम श्रावकाणाम सकल कर्म क्षयार्थम चतुष्कलश जलाभिषेक करोमि नमः। अर्घ ले लेंगे सभी लोग हाथ में। उतक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलाद कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ मम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते चतुष्कले जलाभिषेक करोमि अर्घं निर्पामिति स्वाहा। सभी की ओर से अर्घ चढ़ चुका है, आगे हम चलेंगे लघु शांति धारा की ओर। सभी लोग मन को एकाग्र करें और अपने अंदर लघु शांति धारा के मंत्र जो बार हम पढ़ रहे हैं उसे स्थापित करें। शांति धारा को मात्र देखना ही नहीं है, इन आंखों के माध्यम से
हमें अपने अंदर उस शांति धारा को उतारना है तो सही शांति धारा कहलाएंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः, ओम नमः ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीथंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्नेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्संगोप सर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। कर्मों को छिन्न भिन्न करेंगे हम। अपवायम मृत्युं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, अतिकामं रतिकामं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, क्रोधं अग्निं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वभयं सर्वराज्यभयं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वचोर भयं सर्वदुष्ट भयं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वमृग भयं सर्वमात्मचक्राभयं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वकूररोगं सर्वनरमारीं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वरजमारीं सर्वाश्वमारीं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वगोमारीं सर्वमहिष्मारीं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल साकिनी भयं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे, सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं चिंचिन्दे भिन्न भिन्दे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्यं शांति कुरु कुरु, सर्वजनानंदनम कुरु कुरु, सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु, सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु, सर्व ग्राम नगर खेत खरबट मटम बन बत्तन रोणामुख संवाणानंदनम कुरु कुरु, सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु, सर्व देशानंदनम कुरु कुरु, सर्व यजमानंदनम कुरु कुरु, सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तिषु लोकेषु व्याधिर वशन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते। शिवमस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु पदम प्रभु चंदा प्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुबत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेन्द्रभ्यो नमः। चलेंगे हम अस्माकं सभी के नाम आज के शांति धारा के पुण्यार्जक। सिर्फ पुण्यार्जक ही नहीं बनना है, हमें अपने अंदर भी शांति धारा को प्रस्थापित करने की पूरी कोशिश हमें करना है। अलका गंगवाल एंड परिवार पुणे
इनके जाल से आज शांति धारा आई है। निशी जैन चेन्नई, इनकी बहुत अच्छी भावना, इन्होंने स्पेशल दिन के लिए नहीं कहा कि मुझे शांति धारा करना है, इन्होंने कहा मैंने आज तक शांति धारा देखी है इसलिए मुझे शांति धारा का अकाउंट चाहिए। आज तक देख रही है, ये नहीं कि कोई मेरा नाम लेके यहाँ करे तो ही मैं शांति धारा का अकाउंट नंबर मांगू। इसी भावना सबके साथ रहे कि मैं इतने दिनों से शांति धारा देख रही हूँ तो मैं फ्री में ना देखू। बहुत अच्छी भावना निशी जैन की ओर से शांति धारा, हम खुद उनका नाम लेके आज कर देंगे। इतनी अच्छी भावना जिन निभाई है उसकी प्रभावना होना बहुत जरूरी है। और रेनू जैन एंड फैमिली जयपुर राजस्थान से, उनकी ओर से भी आज की शांति धारा की जा रही है। और हमारे नित्य के जो है पुष्पा जी कटारिया जी एंड फैमिली, कुसुम जी जालन जी एंड फैमिली, गिरीश जैन एंड फैमिली, नीरज जी सुराना जी एंड फैमिली, सुदेश जी, पुष्पा जी, आनंद जी, सोनल जी, प्रमोद जी, हेमा जी, मल्लेचा जी, सौरभ जैन जयपुर, आकाश जैन कोलकाता और उनके सभी रिश्तेदार और परिवार की ओर से, उन्हें कोविड हुआ है तो वो जल्दी ठीक हो जाए इसलिए, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ डेली, उनके सभी के हेल्थ की कामना करते हुए कि वो सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज की शांति धारा हो रही है। तथा हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स नीरज जी, जयसंग जी, सुराना जी, कीर्तन जी, प्रशांत जी, केतन जी तथा सिद्धार्थन परिवार से ललिता जी, संतोष जी, शेट्टी, अनिल जी, अरिहंत जी, सोनी जी, सोनल जी तथा पूरा सिद्धार्थन परिवार एंड डॉक्टर मंजू जी एंड परिवार, डॉक्टर अर्चना जी एंड परिवार, और हमारे आईवीएस सेंटर का पूरा परिवार, आईवीएस परिवार की ओर से ये शांति धारा की जा रही है। सैनिक पे, बॉर्डर पे जितने भी सैनिक हैं उन सभी की ओर से यह शांति धारा की जा रही है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आज तक 250 डेज से जुड़े हुए हैं उन सभी की ओर से ये शांति धारा, जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ेंगे, जो फेसबुक पे है उन सभी की ओर से आज की ये शांति धारा शांतिनाथ भगवान की जा रही है। और जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, देखने वाले और सुनने वाले सभी परिवारों की ओर से आज की शांति धारा की जा रही है। तो सभी के अंदर शांति प्रस्थापित हो, सभी के घरों में शांति प्रस्थापित हो, देश में, राष्ट्र में, विदेश में, सभी जगह शांति प्रस्थापित हो, इसी शांति भावना के साथ श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धनादि सदा संतु, सद्धर्म श्री बाल, आयु बल, आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अशियाऊषं अनाहत विद्याय नमो अरिहंतानं। रोम सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। देखिए कितनी बढ़िया से शांति धारा, एक सी धार, एक सी लेवल में पूरी बहुत सुंदर शांति धारा करा रहे हो अनमोल। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधनाणाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुराश्य राज्ञा, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रा, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रा, इति शांति धारा करोमि। अर्घ ले लीजिए सभी लोग।
उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्ध कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ मजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते शांति धारा उपरांते सभी की ओर से अर्घम निर्पामिति। स्वाहा बोलिए सभी लोग। स्वाहा बोलने से बहुत कर्मों की निष्ठा होती है। अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलिए चलेंगे 24 तीर्थंकर भगवान का एक साथ अर्घ हम चढ़ा देंगे, समय का अभाव इसलिए हम एक साथ चढ़ाएंगे। जल फले आठो सुचि सारिता को अर्घ करो ओ तुम को अरे पो भवता भवतरी मोक्ष वरो चौबीसो सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पन पावत मोक्ष मई। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति विरांत्यो भे अनंत बापताए अर्घम निर्पामति स्वाहा। ओ चौबीसो भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। तो पारसनाथ भगवान की जय जय जय। जो बोलो आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आचार्य मानतुंगा गुरुदेव की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलिए बहुत सुंदर, थैंक यू ललिता जी। आगे हम चलते हैं। नमन गंधोदक लेना है हमें, गंधोदक ले लेंगे सभी लोग। देखिए मात्र देखने मात्र से, क्योंकि आंखों के माध्यम से ही एनर्जी हमारे अंदर जाती है और फिर वो पूरे शरीर में वितरित होती है। उसी प्रकार ये गंधोदक आपको देखने मात्र से, आप देखोगे आपकी आंखें गीली लग रही होंगी, आपकी पलकें गीली लग रही होंगी, देखने मात्र से ही गंधोदक हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है, हमारे फाइव चक्राज में वितरित भी होने लगा। फाइव चक्राज में पूरा गंधोदक विपरीत हो रहा है। नन्नी मुन्नी बालक की वो उंगलियां आज 300 लोगों को गंधोदक लगा रही है। भावों से लगा लेंगे सब। निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाशनं जिन गंधोदकं वन्दे कर्माष्टक निवारणं जिन गंधोदकं वन्दे कर्माष्टक निवारणं। आप ध्यान से देखोगे तो वो गंधोदक अनमोल आपकी आंखों तक पहुंचा रहा है और आप उसे ग्रहण कर रहे हो। आपको गंधोदक चम्मच से दे रहा है और आप अपने आंखों तक ले जा रहे हैं। गंधोदक आपकी आंखों में लग रहा है, ध्यान से आप देखिए। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए दर्शन करते हैं और भावना भाते हैं। धार संयम है, धार संयम है दिगंबर की सजा पाने को, चलो रत्न त्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो रत्न त्रय को धारे मुनि शिव पाने को। आई घर बैठे ये गंगा नहाओ लोगों, ये तो कश्ती है पार बैठ जाओ लोगों। आई घर बैठे ये गंगा नहाओ लोगों, ये तो कश्ती है पार बैठ जाओ लोगों। धर्म के शूर है ये करे भ्रम चूर है ये, पाप से दूर है ये, बहुत सुख
ये यहाँ आए हैं, ये यहाँ आए हैं भूलों को पथ दिखाने को, चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को। कैसी सुबह ये घड़ी है कि इनका आना हुआ, कैसी सुबह ये घड़ी है कि इनका आना हुआ, छाई खुशियां नगर शोक दुख जाना हुआ, छाई खुशियां नगर शोक दुख जाना हुआ। सभी पूजा रचाओ कि आरतियां सजाओ, भाव भक्ति जताओ चरण शीश झुकाओ, बिछा दो पल के कि स्वागत हिन रचाने को, चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को। ये तपस्या से तिहु लोक झुका सकते हैं, दुर्जनों में भी दया भाव जगा सकते हैं, परिसह भाव सहते केश प्रभु लोच करते, धार समताय चलते सदा आतम बिरते, शरण पाइन की किनर भव का लाभ पाने को, चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज का सेशन जो रहेगा ना, भावना भवनाशिनी, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं भावना भवनाशिनी, आज का सब्जेक्ट हमारा सामायिक का। कोशिश कर रहे हैं हर दिन एक नया सब्जेक्ट दे। धन्यवाद अर्चना दी, बहुत सुंदर। चलो रत्नत्रय को धारे मुनि शिव पाने को। और धन्यवाद अनमोल संतोष पाटनी परिवार, ललिता दीदी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्तुली भद्रात्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महासमणोस्तु मंगलम। पंच परमेष्टि को सत्सत वंदन, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, सादर अभिवादन। इलनेस टू वेलनेस के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ डॉक्टर अर्चना जी जैन का, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ संतोष पाटनी परिवार को। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं संगम फाउंडेशन हैदराबाद, सिद्धायतन परिवार श्री सम्यक शिखर जी, दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई एवं आईवीएस हीलिंग सेंटर।
बंधुओं, अपने अंदर खुशी, आनंद और शांति ढूंढना आसान नहीं है और कहीं और इसे ढूंढ पाना भी मुमकिन नहीं है। अपने अंदर खुशी, आनंद और शांति ढूंढना आसान नहीं है, इसे कहीं और ढूंढ पाना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हम इस सेशन के माध्यम से, अर्चना जी, इस सेशन के माध्यम से हम अपने अंदर की उस शांति, आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सेशन से पहले हम अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। चुके हैं और आपके हाथ बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिशाली हाथों में परिवर्तित हो चुके हैं। अरहम अब इन शक्तिशाली हाथों से हमें अपना सुरक्षा कवच बनाना है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं ऐसो पंचण मुक्कारो शब पाव पणासनो मंगलाणम च सबे सिंह परमं भवै मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलाणम च सब्बे सिंह परमं भवै मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलाणम च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। हम सुबह सुबह आपका सुरक्षा कवच बना देते हैं ताकि आप पूरे दिन सुरक्षित रहें। आइए चलते हैं अब अर्चना दीदी के सेशन की ओर।
हाँ दीदी आपका माइक ऑफ है। हाँ एक मिनट। हाँ थैंक यू नीरज जी, थैंक यू ललिता जी। चलेंगे अब हम आदि प्रभु की ओर। दो पद आदि प्रभु के चरणों में रखने के लिए हम चलते हैं। आदि प्रभु की प्रतिमा आपके समक्ष। नी मनोहर प्रतिमा आपके समक्ष आ रही है। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। कितनी बार हमारा जयकारा हो जाता है सुबह सुबह, पूरी मुख शुद्धि हो जाती है इतनी जयकारा से। दो पद आदि प्रभु के चरणों में। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योदकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम मेजिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पत तांजनाना। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्त हरे रुदारे स्तोषे किला हम अपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। बोलिए मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्न त्रय मंडित संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त नगर में विराजमान समस्त आरिका संघ की जय जय जय। देखिए आपके समक्ष आदि प्रभु की मनोहर प्रतिमा। अपनी दृष्टि दाहिने पैर के अंगूठे पर लेके जाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा देखिए, उससे एक व्हाइट कलर की एनर्जी चमचमाती हुई स्टार की भांति या बॉल की भांति आपको दिखेंगी। थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी दिख जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा। वो व्हाइट कलर की एनर्जी आपको अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे नर्वस सिस्टम में लेनी है, लेनी है, लेनी है। पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है। जितने भी राग देश काय क्लेश सारे बाहर जा रहे हैं, सारे अपने शरीर से बाहर जा रहे हैं। शरीर शुद्धिकरण हो रहा है और आदिनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन गोल्डन रश्मियां, वो गोल्डन गोल्डन किरणें निकल रही है। वो सकारात्मक किरणें आपके अंदर समाहित हो रही है। इसी भावों के साथ चारों प्रकार के हारों का त्याग। एक घंटे के लिए सभी लोग क्वारंटाइन हो जाएंगे और हम नियम भी निकाल लेते हैं, तीन नियम। फिर बाद में वो रिपीट कर देंगे, कोई लीव हो जाता है।
घर में बड़ों को प्रणाम करिए। कॉफी पीने का त्याग, चाय और कॉफी पीने का त्याग और होटल का त्याग करें। होटल का कुछ भी नहीं खाना है, होटल का नहीं खाना है, यानी बाहर का कुछ नहीं खाना। घर में बड़ों को प्रणाम करना है, चाय कॉफी ना पिए। चलिए तीन नियम। जाप दे देंगे। ओम ह्रीम क्लीम श्री मरम श्री विषमनाथाय नमः। 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए हम चलेंगे हमारे समभाव सेशन की ओर। आओ चले समभाव की ओर। हमारा जो सेशन चल रहा है आज उसका फोर्थ डे हो चुका है। पहले दिन हमने लिया था सामयिक से संभाव की ओर, दूसरे दिन हमने लिया था बेल से क्षमा की ओर, तीसरे दिन लिया था पुण्य से पुण्य की ओर, पुण्य धोखेबाज है, और आज जो हमारा सब्जेक्ट है भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। भावना भव का विनाश करती है और मोक्ष की प्राप्ति दिलाती है, और भावना भववर्धिनी यानी संसार को भी वर्धमान करती है, यानी संसार भी बढ़ाती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी भावना पे की कैसी आपकी भावना है। भावना वो इतना सुंदर शब्द है। भावना यदि आप उसका संधि विग्रह करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज आपको उसमें प्राप्त हो सकती है। आप लोग खुद अपने अंदर उसका संधि विग्रह करिए कि भावना, भावना क्या, भाव प्लस ना, जो भाव ही ना आए वो भावना। ऐसी अवस्था कब आएंगी हमारी, ऐसी अवस्था कब आएंगी, भाव ही ना आए वो भावना। एक दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा, जो भाव कभी नहीं आए हो उन भावों के आने का नाम भावना। दो चीज हो गई इसमें, एक जो भाव आए ही ना वो भावना, और जो भाव कभी ना आए हो उन भावों का आने का नाम भावना। क्योंकि जब भी सामायिक में बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के भाव जो कभी सोचे भी नहीं हो ऐसे भाव हमारे अंदर आते हैं। तो भावना क्या, उन भावों के आने का नाम है। जो भाव कभी ना आए हो उसका नाम भावना। तो ये हम देखते हैं हमारी भावों की संभाल हम कैसी कर रहे हैं। आज हमारा है भावना भवनाशिनी, इसलिए आइए हम चलेंगे हमारी सुंदर सी ज्ञान की बगिया में। ज्ञान रूपी बगिया आपको बनाना है जिसमें पांच प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, नंद आनंद चेयानंद सहजानंद और परमानंद की बगिया में हमें चलना है। सभी लोग अपने आप को एकदम विश्राम की अवस्था में लेके जाइए और बैठ जाइए, और उस पांच पौधों से पांच कलर की एनर्जी अपने अंदर समाहित करिए। नंद आनंद चेयानंद सहजानंद और परमानंद, परमानंद की वो व्हाइट एनर्जी अपने अंदर समाहित करिए। पांचों ही पौधों से आपको एक एनर्जी मिल रही है, उस बगिया में आप शांति से सामायिक करने के लिए बैठे हो। वो ज्ञान की, अखंड ज्ञान की बगिया है वो। वो अखंड ज्ञान की बगिया में आप लोग सामायिक करने बैठे है। समभाव 48 मिनट अभी हम बैठेंगे आराम से, कोई नहीं हिलेगा 48 मिनट। क्योंकि भाव सुधरेंगे तो ही भाव सुधरेगा, इसलिए स्थित होकर बैठिए।
कोई तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, बैकबोन एकदम स्ट्रेट अप की। ये ऐसे बगिया है, ये ऐसे नंद आनंद है जो कभी छूटने वाले नहीं है, अनंत काल तक अपने अंदर ही, अंदर के बगीचे में ही हमें रमण करना है। आज तक हमने बाहर के बगीचे को बहुत सींचा, बहुत सींचा, अब ये हमारे अंदर की बगिया है, इसका सिंचन हमें करना है। और वो किससे होगा तो आज हम देखेंगे इस भावना भवनाशिनी के माध्यम से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, सभी लोग सोचिए, विचारिए और शांति से बैठ जाइए। तीन बार ओम के उच्चारण के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वासों के साथ तीन बार ओम का उच्चारण। विश्राम की अवस्था में अपने आप को लेके जाइए। भावना भवनाशिनी, जो भावना आए उसका नाम है भावना, जो भाव कभी नहीं आए हो उन भावों का नाम है भावना। हे आत्मन, सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए कि हमने अनादि से क्या किया। सोचिए, आज तक हमने भाव भाव में क्या किया। भवातीत होने के परिणाम क्या है, भवातीत होने का भाव क्या है, आज तक भाव भाव में मैंने क्या किया। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। हे प्रभु, मैंने आज तक अनादि से वही राग, वही देश, वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ अनादि से करते आ रहा हूं। वही छल कपट
इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, कुछ नहीं किया। मैं अनादि से यही करते आ रहा हूं। ये जो भाव भाव में मैंने भाव किए, जो ये भावना भाई, यही भावना भव वर्धिनी बन गई प्रभु, भावना भाव वर्धिनी बन गई। और मैं आज अनंत काल से अनंत संसार में भाव भाव भटक रहा हूं प्रभु, भाव भाव भटक रहा हूं। भावना मेरी भाव वर्धिनी बन चुकी है प्रभु, भाव वर्धिनी बन चुकी है। और हे प्रभु, अब मुझे भावना वर्धिनी नहीं, अब मुझे भवनाशिनी बनना है। भावना भवनाशिनी बनना है प्रभु, मुझे भावना भवनाशिनी बनना है। भावना भवनाशिनी की ओर जाना है प्रभु, भावना भवनाशिनी की ओर जाना है। ऐसी भावना जिस भावना के आने से भवनाश हो जाए, ऐसी भावना भाना है प्रभु, मुझे ऐसी भावना भाना है। भवातीत होने की भावना, भवातीत होने के परिणाम होने की भावना, मैं इस भाव को सार्थक करना चाहता हूं प्रभु। इस मनुष्य पर्याय रूपी भाव को संभालना चाहता हूं प्रभु, भावों को सुधारना चाहता हूं प्रभु। और ये भावों को सुधारने के लिए मेरे भाव आज मेरे सामने है। मेरे भाव सुधरेंगे तो भाव सुधरेगा प्रभु, मेरे भाव सुधरेंगे तो भाव सुधरेगा प्रभु। और अब इस समय मेरे सामने मात मेरे भाव है, मात्र मेरे भाव और कुछ नहीं। अपने सामने मात्र अपने भावों को लाइए, सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, इस समय आपके भाव कैसे चल रहे हैं, विचार कर लीजिए। मात्र आपके भाव आपके समक्ष, बाकी कुछ नहीं। अपने अपने भावों का चिंतन कर लीजिए कि मेरे भाव क्या चल रहे हैं इस समय। आपके भाव के मालिक आप खुद हो, इसके जानकार भी आप खुद हो। आप खुद जान सकते हो कि आपके अंदर आपके भाव क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्योंकि जैसा भाव होगा वैसा ही भाव होगा। थोड़ा विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, यदि मेरे परिणाम कुटिलता के चल रहे हैं तो मैं पशु बन जाऊंगा, और यदि मेरे परिणाम समभाव के सामायिक भाव के चल रहे हैं तो मैं भवनाशिनी बन जाऊंगा। हे प्रभु, भाव भाव भटकाने के भाव अनंत बार किए, हे प्रभु भाव भाव भटकाने के भाव अनंत बार किए, अब नहीं प्रभु, अब नहीं, अब नहीं प्रभु, अब नहीं। अब मुझे विवेक मिला है, प्रज्ञा मिली है, और मेरा समय भी साथ दे रहा है। अब मैं ऐसी भावना भा रहा हूं कि यह भाव दोबारा ना मिले प्रभु, पाऊ जन्म न दोबारा,
पाओ जन्म न दोबारा प्रभु, पाओ जन्म न दोबारा। हे प्रभु, मैं जान गया हूं मेरा भाव सुधारने का सामर्थ्य मुझ में ही है, अन्य कोई नहीं सुधार सकता। मेरे भाव सुधारने का सामर्थ्य मुझ में ही है प्रभु, मेरे ही अंदर में है प्रभु। मैं ही मेरे भाव की और भाव की संभाल कर सकता हूँ। मैं समझ गया हूँ प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि मेरे भाव बिगड़ेंगे तो साक्षात तीर्थंकर भगवान भी आ जाएंगे तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। साक्षात माँ जिनवानी भी आ जाएंगी तो वो भी मेरे भावों को संभाल नहीं पाएंगी। और अब भगवान भी मुझे सहकारी हो चुके हैं, मेरे भाव सुधर रहे हैं। अब मैं कभी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करूंगा, अपनी भावों की संभाल कर रहा हूं। मेरे भाव संभल रहे हैं और मेरा भाव भी संभल रहा है। मेरे भाव सुधर गए प्रभु, अब मैं भी सुधर गया और मेरी भावना मोक्ष की ओर चल पड़ी प्रभु। तेरी भक्ति से मेरी भावों में सुधार आ चुका प्रभु, मेरे भाव सुधर चुके हैं। तेरी शरण में आ चुका हूं प्रभु, अब मैं तेरी शरण में आ गया और मेरी आत्मा का जो भाव मोक्ष भाव है, उस मोक्ष भाव के नजदीक आ चुका हूं प्रभु मैं। मेरे भाव सुधर रहे हैं, निश्चित ही है कि अब मेरा भाव भी सुधर रहा है। अब मेरा भाव भी सुधरने लगा प्रभु, भाव के साथ साथ भाव भी सुधर रहा है। हे गुरुवर, मैं अब आपकी चरणों के ओर बढ़ रहा हूँ, मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूँ गुरुवर, मैं मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे आपकी शरण चाहिए प्रभुवर, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं समझ चुका हूँ उस भाव को जो भवनाशिनी है, मैं अब मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ा हूं। मैंने अपने भावों को मोक्ष भाव की ओर, आत्म भाव की ओर, आत्म तत्व की ओर टर्न कर लिया। मेरे भाव मोक्ष रूपी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, मोक्ष रूपी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार है प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मेरे भाव सुधर चुके, मेरा भाव सुधर चुका, मेरे भाव भाव सुधर चुके। अब ना इस भाव में आना है, भाव ना, भाव प्लस ना।
अब मैं ये जन्म दोबारा नहीं पाऊंगा, ये भाव नहीं पाऊंगा, भाव का नाश करना है मुझे। भाव भाव में है गुरुवर, सदा तेरे हम भक्त रहे, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा ध्यान हर वक्त रहे। जन्म जरा अरु मरण मेटने तेरे दर पर आया, पाप पंक प्रक्षालन है तू श्रद्धा पुष्प खिलाया हूँ। भाव भाव में है गुरुवर, सदा तेरे हम भक्त रहे, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा ध्यान हर वक्त रहे। और अब मैं अपने निज घर में आ चुका हूं, जहां सुख ही सुख विल से, जहां मात्र सुख ही सुख है, न राग है न देश है। मैं अब अपने घर में आ चुका हूं, मैं अपने स्व के निज घर में प्रवेश कर चुका हूं। प्रभु आपकी भक्ति से, आपके सत्संग से, अब तो चले अपने घर में, जहाँ सुख ही सुख विल से, जहाँ राग नहीं जहाँ देश नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। इसी ज्ञान के माध्यम से चलते हैं हम 14 नंबर श्लोक की ओर। उसके पहले हम कुछ मुद्राएं कर लेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में ही सब कुछ है, हमारे पाम में ही सब कुछ है। तो आइए चलते हैं हम मुद्राओं की ओर। अपने दोनों हाथ नमः, ओम रीम 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 नमः। धीरे से ये हमारे पांच पर्वत जो है इसे मिला लीजिए। ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। नीचे के दो ऊंचे पर्वत है इन्हें भी मिला लीजिए। ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। दोनों पर्वतों को मिला लीजिए। ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। अब दोनों उंगलियां एक में एक फंसा के सब जॉइंट पेन हमारे जहां भी है वहां रेड मार्क करिए, और ओम रीम नमः बोलते से आप देखोगे वो जॉइंट पेन, ये हथेलियां भी हमारी, ऐसे पर्वत भी जुड़े रहे और ये भी, तो ये जो पॉइंट जहां हमारी उंगलियां जाएंगी, ये जो पॉइंट है ये हमारे 12 महीने भी इसी के ऊपर है जहां ये पॉइंट जा रहे हैं, ये यहीं पर, ये देखिए इसको प्रेस करिए आप आराम से, प्रेस कर दीजिए। ओम रीम नमः, अगेन ओम रीम नमः।
अगेन ओम ह्रीम नमः। आप देख रहे होंगे इस मुद्रा के माध्यम से आपके ज्वाइंट पेन जहां भी है वहां आपको कुछ थोड़ा टच हो रहा होगा। जहां आपको लग रहा है थोड़ा सा पेन है, इस मुद्रा करने से वो वहां आपका ध्यान केंद्रित हो रहा होगा। चलेंगे हम 14 नंबर श्लोक की ओर। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप सुभ्रा गुणस्ति भुवनम तव लंघयन्ति ए संस्थिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तां निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप सुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थिता श्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप
शुभ्रा गुनास्ति भुवनं तव लंघयन्ति एशंसितास्ति जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। चलेंगे मंत्र रिद्धि की ओर। ओम भगवते केवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। 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 चलेंगे रिद्धि की ओर। दोनों हाथों को अपने शीश पे रखेंगे। ओम भीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम भीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को अनाहत चक्र पर ग्रीन कलर की एनर्जी आपके सामने वाले गार्डन से। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को अपने नाभि चक्र पर ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम री मरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे अब हम हमारे बीजाक्षर बम ओम बम की ओर। सभी लोग रेड या येलो कलर की माला अपने हाथ में ले लीजिए, मन को एकाग्र करिए। रेड कलर या येलो कलर अपने अंदर आपको लेना है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। बम 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 ओम 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 बम बम ओम
ओम बम बम 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 ओम बम सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चैत्राय नमो नमः बोलिए अदिनाथ भगवान की जय जय जय। हमारा यहाँ पर सामायिक संभाव सेशन स्पिरिचुअल सेशन 48 मिनट की सामायिक खत्म हो रही है और अब हम आगे चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर चलेंगे। बोलिए दादा शांग जिनवानी माता की जय। कल का आपको सूचना दे दूं, कल हमारे काशीनाथ भगवान का भी जन्म कल्याणक है और नीरज जी का भी जन्मदिन है और हमारे आईवीएस की सुरेखा जी उनका भी जन्मदिन है। कल शाम को ठीक 7 बजे से हम भजन संध्या रखेंगे
शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया है। एक मिनट समय थोड़ा सा और कंफर्म कर लेती हूँ। शाम को ठीक 7 बजे भजन संध्या का प्रोग्राम IVS की ब्रांच की ओर से, मेन ब्रांच की ओर से भजन संध्या, सभी ब्रांच की ओर से, समझ जाइए IVS में मेन ब्रांच में सभी ब्रांच आ गई है। तो भजन संध्या का प्रोग्राम कल शाम ठीक 7 बजे, सभी लोग अपने अपने भजन तैयार करेंगे। हम चलते हैं हमारा सम्यक दर्शन के 25 दोष, हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं, अभी वहीं अटके हुए हैं, देख रहे हैं कि कितना लोगों को समझ रहा है, उसके बाद ही हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। कुल का मध और जाति का मध, ये सब्जेक्ट अभी हमारा है, कुल मध जाति का मध, ये कल रेखा जी ने बता दिया था ना, इसके आगे चलते हैं। बल का मध और रिद्धि का मध, दो मध हम लेंगे आज, हमारे जो 25 दोष चल रहे हैं उसमें बल मध और रिद्धि मध, दो मध के बारे में कौन बताएगा, किसे क्या समझा है, हैंड रेज कर दीजिए अपने। कल दो मध भाई साहब ने बताए थे, SC जैन साहब ने, पूजा का ज्ञान मध और पूजा मध, और बल मध और रिद्धि मध बताए थे कल रेखा जी ने, नहीं बल मध रिद्धि मध नहीं, जाति और कुल का मध रेखा जी ने बताई थी। आज हम चलेंगे बल मध और रिद्धि मध क्या होता है। हैंड रेज आज दिख रहे हैं बहुत सारे, प्रिया ओस्तवाल, जयलेख जी, प्रिया जी बताएंगे बल का मध, एक 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 बताइए, एक प्रिया जी से लेते हैं आज बल का मध। हाँ नहीं पता, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए प्रिया जी, बल मत के बारे में नहीं बता सकते, नहीं मालूम, नहीं मालूम, अच्छा आपका हैंड, में सोचिए आपका हैंड रेज है। ठीक है कोई बात। गैलेक्सी J7,
आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही, बोलिए। सबसे पहले तो आपने हमें बताया कि श्लोक के अंदर इसमें सारे जो मद हैं 8 मद पूरे आ जाते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वर्धिनम तपो वपु अष्टा वारिष्यत मानित्व स्म्याम दुर्गत स्म्याम। यह 8 मद है, ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, बुद्धि का मत और मान का मतलब 8 मत। मत का मतलब है कि घमंड, दूर, अहंकार, कषाय के जो भाव होते हैं, इन भावों के द्वारा सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है, मलिन हो जाता है। ये 8 प्रकार के जो मद हैं उनके द्वारा। 4 मदों का अपना डिटेल पिछले दिनों में हो चुका है और अब अपना आया है रिद्धि का मद, मतलब कि धन का मद। सम्यक दृष्टि वाले को धन का कोई मद नहीं होता। जिनको सम्यक दृष्टि होती है वो इन सब बातों में, इस किसी भी तरह के मदों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो अपने सम्यक पे ही ध्यान देते हैं। और मैं धनवान हूँ इसका अहंकार करना, जबकि हमारा आत्मिक धन है उसी की संभाल हमें करनी चाहिए। घर परिवार को बंधन समझते हैं हम लोग, घर में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है उसी तरह हम घर में रह के भी सारी क्रियाएं करते हुए, घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, हम आपके साथ साथ जो अभी सीख रहे हैं सुबह चलना, उस हिसाब से हम धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। दुख रूपी बीज है जो इन सारे मदों को करने वाले नीच गति में जाने के लिए अपनी आगे का भविष्य तैयार कर लेते हैं। और जो लोग इन मदों पे अहंकार नहीं करते वो लोग सम्यक को प्राप्त करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो है, जो सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, और जानते हुए भी जैसे हम लोग हैं इनको नहीं छोड़ पाते, तो इससे बड़ी गंदी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमें धन का मत बिल्कुल, मतलब मत तो 8ों में से कोई सा भी मत हमें नहीं करना चाहिए। हमारी जो असली संपत्ति है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस पे हमें चलना चाहिए। अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख के बारे में हमें, मतलब इन सबको अपना धन समझना चाहिए और इन्हीं पे हमको आगे चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद तप का बल आता है, साधना का अहंकार होना, तपस्या का अहंकार होना कि हम कितना तप कर लेते, सबको इस बारे में बताना। एक बताना होता है प्रभावना करना, और एक बात होती है कि हम घमंड करके बता रहे हैं कि हम क्या क्या करते हैं। सम्यक दृष्टि इन का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है। सम्यक दृष्टि तो अष्ट कर्मों को जीतने के लिए साधना करता है। अष्ट कर्मों को किस प्रकार जीते इन्हीं के बारे में वो देखता है। श्रावक और साधु की साधना में आपने बताया था कि श्रावक और साधु की साधना में अंतर होता है। साधना के अहंकार से सारी साधना मिट्टी पलीत हो जाती है। हमारे शरीर को आत्मा की शुद्धि के लिए साधना करनी चाहिए। आत्मा को तपाने के लिए शरीर को तपाना ही पड़ेगा। सोना तपेगा, होंठ पड़ेंगे, तब जाकर ही हम निखरेंगे, हमारा रूप निखरेगा। अष्ट कर्म रूपी शत्रु को हम बिना तप के नहीं जीत सकते। उमा स्वामी आपने बताया, उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में बताया, इच्छा निरोध है तप, इच्छाएं असमान होती हैं। जो इच्छाओं का दमन हमें करना चाहिए, अन्न का त्याग किया तो तप हो गया, इच्छा निरोध किया तो इच्छा का निरोध ना हो तो चरित्र में रमना नहीं। हमें इच्छा का दमन करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान और नर पर्याय फिर से मिलने वाली कभी नहीं है। अष्ट कर्मों को आत्मा से छुड़ाना चाहिए। तप के लिए छेड़ाला में भी बताया गया है कि कोई भी आप पर उपसर्ग को तो भी समता धरनी चाहिए। समुद्र का महत्व बताया कि समुद्र कितना गंभीर होता है। उसी प्रकार साधु का महत्व बताया कि नग्नता से साधना नहीं है, चरित्र जो उनका होता है उसी से साधना होती है।
आपने द्रव्य संग्रह के में भी डिटेल बताया था कि जब हम साधना करेंगे तो अष्ट कर्म नष्ट होंगे ही, तब संकेत दर्शन की हमें प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा का सुख अनंत सुख है, इंद्रियों का सुख क्षणिक है। श्रावक तप है पांच इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना। उदाहरण में आपने बताया था कि हाथी है, हाथी का उदाहरण दिया था, मछली का दिया था, पतंगे का दिया था, इस तरह आपने पांच जो उदाहरण हमें बताए थे। और छह कायिक पृथ्वी, जल कायिक, अग्नि, वनस्पति कायिक और आकाश जी पांच स्थावर, और इनके हमें रक्षा करनी चाहिए। यही सब हमने सीखा इसमें और यही सब हम कोशिश करते हैं पूरी दिन भर। सुबह से जब आपकी बातें सुनते हैं तो दिन भर हमारे मन में ये बातें चलती रहती है। आपने तो पूरा ही सार रख दिया भाई, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया आपने बताया, पूरा का पूरा ही सार आज तक के प्रवचन का आपने क्या क्या सीखा, ये मुझे तो शब्द ही नहीं निकल रहे बाहर की, मैं क्या बताऊं। आप लोग इतने अच्छे से मेरे शब्दों को वापस लाके मुझे दे देते हो, बड़ी खुशी होती है कि इतने ध्यान से आप लोग सुनते हो, लिखते हो, सुनाते भी हो। सुनाना बहुत बड़ी बात है, वो बहुत जरूरी है, धर्मोपदेश इसे कहा जाता है। बड़े बड़े उपदेश ही धर्मोपदेश नहीं होते, छोटे छोटे उपदेश भी जो हमें देते हैं वो भी धर्मोपदेश में ही आते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज बल का बल रिद्धि बता दी, आपकी सरलता हमें प्रेरित करती रहती है, आपकी सरलता दिन भर हमारे विचारों में घूमती रहती है। देखिए हम तो यही कहते भाई, एक का भी उद्धार हो गया तो हमारे प्रवचन करना सार्थक है, हमारा स्वाध्याय सार्थक है। और एक एक नमू, एक एक ऐसे नगीने हमारे सामने, एक एक डायमंड आते जा रहे हैं। अभी तो हम रेखा जी को सुनते थे, हम सारे दिन गाते रहते हैं, हमको भी ले चलो भगवान सिद्धों के दरबार में, गुणस्थान की सैर करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आप लोग इतना याद रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रही थी, देखिए जो जिनवानी सुनने के भाव करता है वो तो भावी मोक्षगामी है, ये निश्चित 100% निश्चित है। ये जिनके भाव आज के पंचम काल में, जो कि ये दुखम दुखा काल है, और ये दुखा, ये दुखमा काल है, दुखम दुखा तो छठा है, ये दुखमा काल है पंचम काल, इसे दुखमा काल कहा जाता है। और इस दुखमा काल में हम लोग सुख ढूंढते रहते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सुख की प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं, सुख को हम दुख ढूंढते रहते हैं। तो ये सुख को ढूंढते जो रहते हैं वो अतीन्द्रिय सुख की ओर जा रहा है। हम तो इंद्रियों के सुख को ढूंढते रहते थे, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सुख की ओर। जो स्वाध्याय कराता है, मैंने सामायिक देशना में विश्व सागर जी के पढ़ा था, जो स्वाध्याय कराता है, जिनवानी सुनाता है, उसका तो भगवान बनना निश्चित है। लेकिन जो सुन रहा है उसका भी तीन भाव में भगवान बनना निश्चित है। सामायिक देशना का स्वाध्याय में कर रही थी कल, तो वो स्वाध्याय में मैंने ये लाइनें पढ़ी थी, मेरे सामने वो ग्रंथ भी है कि जो स्वाध्याय कराता है उसका, जो स्वाध्याय कराता है, जिनवानी जो सुन रहे हो उसकी पर्याय में आने के लिए, जो जिनवानी सुन रहा है उसका भी भगवान बनना निश्चित है, और जो सुना रहा है उसका भी भगवान बनना निश्चित है। तो मैं हमेशा कहती थी कि सुन रहे जो, जिनके भाव मात्र हो रहे हैं, और आज अपना बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी था भावना भावनाशनी, तो हम जो सुनने के भाव कर रहे हैं ये किसी को भी नहीं हो सकते जिनवानी सुनने के भाव, हर किसी को जिनवानी सुनने के भाव नहीं हो सकते। भावी मोक्षगामी जो जीव है, जो भव्य जीव है, जो भावी मोक्षगामी जीव है, उन्हीं को आज पंचम काल में जिनवानी सुनने के भाव हो सकते हैं, हर किसी को नहीं हो सकते, हर किसी को नहीं हो सकते।
भावी भव्यगामी मोक्षगामी जीव को ही जिनवानी सुनने के भाव हो सकते हैं, जिनवानी पढ़ने के भाव हो सकते हैं। आज करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में से 300 लोग स्वाध्याय करने की इच्छा रखते हैं, 300 लोग स्वाध्याय सुनने की, 400 लोग, 500 लोग स्वाध्याय सुनने की, 1000 लोग स्वाध्याय सुनने की इच्छा रखते हैं। सब भावी मोक्षगामी जीव है ये जो सुन रहे हैं, और जो सुना रहे हैं उनका तो भगवान होना निश्चित हो चुका है। विष्णु सागर महाराज जी के ये सामायिक देशना ग्रंथ है, ये मैं पढ़ रही थी, सामायिक देशना ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है ये विष्णु सागर महाराज जी का। उसमें मैंने पढ़ा था कि भगवान वही बनेगा जिसके भाव जिनवानी सुनने के होगा। आज हमने बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी लिए, भावना भवनाशिनी, तो बहुत ही सुंदर तरीके से सारिका जी आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, सारी चीजें आपने बता के रख दी एक एक करके। जिन जिन ने नोट किया है उस नोट को नोट ही के रूप में ना रख के वो अपनी भावना भी यहाँ प्रेषित कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर। आरती दीदी हमें सुनाती हैं तो वो तो मोक्षगामी है ही, बहुत जल्दी उन्होंने तीन भाव में हम भी मोक्षगामी बने ऐसा कहकर हम सबको बहुत उत्साहित कर दिया है। तब बस एकदम जोश से लग जाइए और बस तीन भाव में तो मोक्षगामी बनना ही है। तो ये देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है लेकिन ये संभव भी है, तो क्यों ना हम एकदम तन मन से लग जाए इसमें। और आप सारिका जी थी क्या? सारिका जी जब दीदी अपनी ये शुरू नहीं विधि शांति धारा, उससे पहले बहुत ही अच्छे से वो अपनी पूजा कर रही थी और मैंने उनको स्पॉटलाइट पे लिया था, है ना सारिका जी? सारिका जी आप म्यूट है, आपको मैंने स्पॉटलाइट पे लिया था और इतने सुंदर आवाज में मंत्रोच्चारण कर रही थी। तो यहाँ पे एक तो विद्वान नहीं है दीदी, पूरे विद्वानों की फौज है और विद्वान भी आप तैयार कर रही हैं। और कल मेरा बर्थडे है और ये मेरा सौभाग्य समझू मैं, हमारे यहाँ के बहुत ही बड़े तपस्वी जो इतनी तपस्या करते हैं, कितने कितने दिनों तक मौन व्रत रहता है उनका और पूरे रूम में तपस्या करते हैं, वो हमें अनुष्ठान करवा रहे हैं। कल पार्श्वनाथ भगवान की जन्म जयंती के उपलक्ष में पार्श्वनाथ भगवान का कल और परसों और 10 तारीख को भक्तामल जी का महाजप अनुष्ठान करवा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने कहीं न कहीं मुझे ये गिफ्ट दिया है मेरे जन्मदिन के ऊपर 3 दिन के अनुष्ठान, और मैं वहाँ संभागी बन रही हूँ, ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। और शायद कल मैं यहाँ 7 बजे निकल जाऊंगी यहाँ से, तो दीदी जल्दी थोड़ा सुरक्षा कवच मैं बनवा दूँ। पहले बनवा देना, हाँ अपनी शांति धारा होने के तुरंत बाद ही। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू एडवांस में, थैंक यू, आप सभी का आशीर्वाद है और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे लिए ही हो रहा है ये 3 दिन का और सब, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि पहले इतनी प्लानिंग नहीं थी और अब 3 दिन का इसी दिन हो रहा है 8, 9, 10 को, तो मुझे लगता है ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे लिए आ रहा है, कहते ना वो सेंटा सबको गिफ्ट दे, भक्तांबर का चमत्कार है नीरज जी, इतने दिन से लगे हैं 250 दिन से, इतना बड़ा चमत्कार है कि पार्श्वनाथ भगवान के जन्म दिवस के दिन और आपका जन्मदिन आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्यशाली है हमारे आयोजक, हमारे आयोजन इतने दिन से जो कर रहा है 250 दिन से लगे हुए है, इनकी तबीयत भी उस समय खराब रहती थी, अब तो बहुत अच्छी बहुत स्वस्थ है, जब पेट में दर्द हम लोगों की पहचान फोन पे ही थी, फिर बाद में झूम पे आमने सामने हम मिल लिए है, 250 दिन से हम दिख रहे हैं नीरज जी को तो बहुत भाग्यशाली हमारे आयोजक आयोजक टीम में एक से बढ़ के एक भाग्यशाली पुण्यात्मा साधक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ दीदी, अगर दीदी कोशिश करती हूँ अगर जूम में प्रोग्राम हो सकता है तो 8:30-9 बजे से शायद स्टार्ट रहेगा वो, 8:30 से शायद, तो अपना तो 8 बजे हो जाता है, आप वहां से कनेक्ट कर दीजिए प्रोग्राम, जिसे देखना है वो देखते होंगे, क्योंकि कैसे है उनका थोड़ा पूछना है, आज जाती हूँ दर्शन करने। नीरज जी को अग्रिम बधाई, कल नीरज जी को जाना है भगवान का आशीर्वाद लेने, अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए नीरज जी को अग्रिम बधाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आप सबका भी आशीर्वाद,
और शुभकामनाएं है, तो बस सब काम अच्छा होते जा रहा है। बहुत अच्छा, 3 दिन का इतना महोत्सव बहुत बड़ी बात है। रघुनाथपा जी को भी ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद सब मिलता है। वही हम बात कर रहे हैं कि सब निकट भव्यगामी है, जितने बैठे हैं इस प्रोग्राम में, इतनी देर तक 3-3 घंटे बैठना, सुबह से नींद खराब करके, कई लोग ऐसे जो 9 बजे उठते थे वो 5 बजे उठ के बैठ रहे हैं, सब निकट भव्यगामी मोक्षगामी जीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए, जो हमने और नीरज जी ने मिलकर छोटी सी यात्रा शुरू की थी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने तो सिर्फ अभी हिलक दिए तैयार किए थे शाम के सेशन में, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अब हमारे विद्वान भी तैयार हो रहे हैं बहुत सुंदर, एक एक करके विद्वानों की 250 दिन में हमने 250 हिलक तैयार किए हैं। इसी प्रकार हमारी ये विद्वान परिश्रम का परिणाम दिख रहा है दीदी, परिश्रम का परिणाम दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है कि अब विद्वान भी तैयार हो रहे हैं। हो ना हो, हम उनकी एक परीक्षा लेके उनको शास्त्री की उपाधि भी दे, आगे ये भी प्रयोजन रखते हैं। रखने का तो क्या बहुत सारा है, लेकिन समय की कमी हो जाती है, कुछ परीक्षाएं हम ऐसे रखेंगे जिससे शास्त्री की उपाधि भी दी जा सकती है। इस प्रकार से कुछ प्रोग्राम कर लेंगे, आगे देखते हैं आगे आगे कैसे होता है। थोड़ा लिटरेचर भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, थोड़ी बुक्स और भी, थोड़ा लिटरेचर, थोड़ा उसका लिटरेचर भी हम देंगे, बुक्स वगैरह भी है हमारे पास, वो सब हम पहुंचा देंगे और उसकी एग्जाम लेके फिर उसको शास्त्री की उपाधि का कुछ ऐसा करते हैं, आगे करेंगे। तो बहुत सुंदर आज का सेशन चलते हैं। अब हम कुछ बोलना है किसी को, हम सेशन को एंड करेंगे आज जल्दी, क्योंकि काफी लेट हो जाता है सेशन, 9 बज ही जाते, सोचते जल्दी करें। नीरज जी आपको कुछ बोलना है? ना दीदी, बोल दिया ना, हो गया। हाँ चलिए, आगे हम लेते हैं रेखा जी को और सेशन को एंड करेंगे। ललिता जी शायद मंदिर चले जा रहे हैं, डेली कल उनका फोन आया था। मैं तो थोड़ी सी फोन लगाने में कच्ची हूँ, ललिता जी डेली बराबर बात करके फोन करके बता देते हैं, मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ फोन लगाने में, काम इतने हो जाते हैं, हीलिंग कभी भी आ जाती है और मैं भूल जाती हूँ। कभी भी फोन बजता है हमें हीलिंग चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए और मैं भूल जाती हूँ। तो कल उन्होंने कहा था कि मंदिर निकलना रहता है करके, शायद मंदिर निकल गए होंगे, तो रेखा जी को लेके हम सेशन को एंड करेंगे। जय श्री दीदी, जय श्री नीरज दीदी, जय श्री ललिता दीदी। आज का विषय बहुत ही टचिंग था, बहुत ज्यादा मतलब मन के तारों को एकदम से जंग्रत कर दिया उसने। आपका विषय था भावना, भवनाशी, ये वाकई में सब चीज भावना से ही होती है, भावना में से ही हम शुभ अशुभ सोचते हैं पहले, और हमारे भाव आते हैं पुण्य के पाप के, और तभी हम गलत कार्य में या अच्छे कार्य में लगते हैं, भावना प्रधान है एकदम। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भाव बढ़ाने चाहिए, हमने बहुत पाप किए हैं, लोग अनंतानंद काल से हम राग द्वेषी हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ इसमें फंसे हुए हैं, और हमने अनंत अनंत दुख सहे हैं, अब हम इस दुख से घबरा चुके हैं। ऐसी भावना मन में रखनी चाहिए, बहानी चाहिए भगवान से कि बहुत दुख सह चुके हैं, अब आपने ये नर पर्याय दिया है और यहीं से ही मोक्ष का रास्ता निकलता है और कहीं से जा नहीं सकता, तो हमें ये सफल करना है कि हम आपके इस पर्याय को हम सफल करें और हम मोक्ष के तरफ जाएं। और हमने अब अपने चारों तरफ आनंद के पुष्प पौधे लगा लिए हैं, हमने आनंद के अपने 5 पौधे लगा लिए हैं, और हमें उसमें अब बिल्कुल अपना लक्ष्य बना लिया है। अब दीदी साथ में हमारे, जो आपने ही हमें दिए हैं, और उससे हम अपना लक्ष्य मोक्ष मार्ग की तरफ रखते हैं, और हमें ये भावना रखनी है अपने मन में कि हमें राग द्वेष किसी से नहीं करना है और हमें इन कषायों में नहीं पड़ना है। इतने दुख सहने के बाद अब हमें ये सब करना ही नहीं है, केवल आपका ही रास्ता चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, क्योंकि नर पर्याय आपने हमें दिए है, हमें विवेक दिया है, हमें इस विवेक को यूज करना है, और उसको यूज करके हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें अपना रास्ता दिखाई दे गया है, जो दीदी ने हमारी हेल्प की है उसके लिए, मार्ग दिखाने के लिए उसका उनका बहुत बहुत आभार है,
और हमें अब मोक्ष मार्ग की तरफ चलना है। ये दृढ़ निश्चय है कि चाहे थोड़े थोड़े रूप में ही हम उनको अपना रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो चीजें ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं केवल, लेकिन वो हमारे चरित्र में थोड़े थोड़ा परिलक्षित हो रही है, आ रही है, और निश्चय ही वो रास्ता शुरू हो गया है। और कब तक उसको चलना है ये पता नहीं है, लेकिन उस मार्ग पर पैर रख लिया है उस सीढ़ी पर दीदी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अरे रेखा जी आप तो हुबहू मतलब इतना बढ़िया ध्यान से सुनती है और इतना अच्छा बोलने लग गई, सच्ची में छोटी छोटी कोटेशंस जो अर्चना जी बताती है उनको भी आप अलग से बोल के यूट्यूब में डाल सकती है कि अर्चना जी ने हमको बताया। आप अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप के अंदर में, खाली अपने ग्रुप में कि आज मैंने ये सीखा, उसको आप ऑन कीजिए, आप उसको व्हाट्सएप को और उसमें डालिए कि आज मैंने ये सीखा, तो उससे क्या होगा आपका एक ग्रुप बन। बहुत अच्छा आइडिया दिया दीदी आपने, आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके भाई भाभी ननद वो सब लोग तो आपका सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि आपके परिवार के हैं, आपके मित्र लोग हैं कि रेखा जी ने क्या भेजा है, देखिए सुने आज क्या सीखा रेखा जी ने, तो उससे और लोग भी जुड़ेंगे। बहुत सुंदर, सही में बहुत अच्छा बोलने लग गए आप, मतलब इतना अच्छा से आप सुनती है और उसको मनन करती है तो बहुत ही बड़ी चीज है। और एक और मैसेज देना चाहूंगी, मेरे भी यूट्यूब पे डाल दूंगी, मेरे YouTube पे भी डाल दूंगा रेखा जी, लोगों ने क्या सीखा, सही में बहुत अच्छा है। मतलब आदमी जो उसको वापस रिपीट करता है तो उसके अंदर तक वो बैठ जाता है, और जितनी बार रिपीट करता है फिर वो अपने आप को सुनता है वापस व्हाट्सएप में, तो उनको पता भी चलता है कि वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है आपको रेखा जी, पता भी चलेगा कि आप कैसे उच्चारण कर रहे हो, आपके भावों में कितनी वृद्धि हो रही है, कैसे क्या कर रहे हो, तो ये आपको भी पता चलेगा अपने आप को। आप जब रिकॉर्ड करके सुनेंगे और लोगों को भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर, बहुत आगे बढ़ रही हैं आप धीरे धीरे, तो सभी लोग बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर है। और एक और मैसेज देना चाहूंगी, चाहे विनय जी दे देंगे, कि आपके परिवार में बड़े लोग रहते हैं और उनको आवश्यकता होती है साथ की, कोई सुनने वाला हो उनको, उनको कोई उनकी बातें सुने और वो किसी की बातें सुने, तो उसके लिए तो IVF सेंटर खुला हुआ ही है कि जो वो देते हैं, तो उसके अंदर में जिनके पास में बड़े लोगों के पास में मोबाइल नहीं है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी बहू बेटियों से, बेटियां माँ को दे सकती है, बहुएं सासुओं को दे सकती है, अपनी माँ को दे सकती है, अपने किसी को दे सकती है, कि जिस समय ये हीलिंग सेंटर चल रहा होता है, ये जूम का प्रोग्राम चल रहा होता है, उनको सिखा दें। एक बार सिखाने से तो खाली टिप करना पड़ेगा, नहीं तो उनको चला के दे दें, देखिए उनको कितना बड़ा साथी मिल जाएगा भक्तामर का, और उनका जो जीवन में परिवर्तन आएगा वो एक अमेजिंग परिवर्तन होगा, वो इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप लोगों को भी ये नहीं बोलना, मतलब बोलेंगे कि तू बैठी कोनी मेरे पास में, तू 5 मिनट ही टाइम कोनी, तेरे पास तो खाली घूमती रहती है, वो करती रहती है। आपने उनको इतना बड़ा साध्य दे देंगे ना, और उनको उस बीच में कभी कभी बड़े लोगों को 2 मिनट 3 मिनट बोलने का भी विनय जी अर्चना जी और समय देंगे कि वो भी अपने मन की बातें बोले, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, सबका चेहरा देखेंगे और उनका चेहरा सब लोग देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा नए साल में। जिनके पास में बड़े लोगों के पास में मोबाइल नहीं है, आप उनको इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, जो जूम में उनको भक्तामर से जोड़ देंगे, तो इतना बड़ा गिफ्ट डाउनलोड करके देना है आपके लिए, इतनी बड़ी प्रभावना होगी कि कई पुण्य की प्राप्ति होगी आपको, तो जरूर से जरूर ये काम करें। और बताए भी हम लोगों ने इतने लोगों का काम किया है, आप किसी को भी दे सकते हैं गिफ्ट, उसमें क्या कोई सासू बहू माँ इन्हीं दादी इन्हीं नानी इन्हीं को देने का नहीं है, आप किसी और को भी जो एहसास है, जो मोबाइल नहीं ले सकते हैं और जूम में नहीं सुन सकते हैं, आप उनको भी गिफ्ट दे दीजिए, ये बहुत बड़ी सहायता है आपके लिए, तो आप कर सकते हैं, इसको जरूर करें और करके प्रभावना बताए भी कि हम लोगों ने किया है, तो और आनंद आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी, बहुत उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं था ज्यादा, लेकिन आपने मेरा उत्साहवर्धन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कहा शब्दों से हमने सुना, लेकिन आपका वीडियो ऑफ था, मैं बहुत ट्राई कर रही थी आपको स्पॉटलाइट पर लेने की, लेकिन हो नहीं पाया, आपका वीडियो ऑफ था। और दीदी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम करेगा,
जिस तरह से आपने बोला कि बुजुर्गों को हमें किस तरह से जोड़ना है और उन्हें कम से कम हम एक फोन की गिफ्ट दे सकते हैं, तो हम वो काम जरूर करेंगे। बहुत अच्छी आइडिया दी दीदी ने, थैंक यू वेरी मच। और चैट बॉक्स में मुझे अभी से जन्मदिन की बधाइयां मिल रही है, शुभकामनाएं मिल रही है, तो आप सभी को थैंक यू। ओहो नीरज जी, आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नीरज जी आपके जीवन में खूब 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 खुशियां आए, आरोग्य वर्धक रहे और जल्दी से परिवार में बढ़ोतरी हो और बख्तामर आईवीएस सेंटर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। उसको ऊंचाइयों तक वैसे नहीं पहुंचना है, उनसे जो लाभान्वित हो रहे हैं वो लाभान्वित अधिक से अधिक होके अपने जीवन में खुशियां पाए, यही इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को हम आगे बढ़ाएं, परिवार में सुख शांति रहे और सांसारिक लक्ष्मी के साथ साथ मोक्ष रूपी लक्ष्मी का भी आप पे पूरी कृपा रहे, माँ जिनवाणी को आप कंठ में धारण कर सके, ऐसे हमारे प्रभु से प्रार्थना है। और आपके जन्मदिन को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देने को कुछ नहीं है लेकिन भावों से बहुत कुछ है कि हमारी नीरज जी हमेशा स्वस्थ प्रसन्न आरोग्य वर्धक रहते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, गुरुजनों का आशीर्वाद पाते हुए खूब 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 आगे बढ़े। प्रणाम दीदी, प्रणाम, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा आशीर्वाद मुझे दिला, इससे अमूल्य और कुछ हो भी नहीं सकता है। और मैंने सोचा 3 दिन मैं मनाऊंगी मेरा जन्मदिन, 3 दिन मन रहा है, मैं क्या मना रही हूँ, लेकिन शायद लग रहा है 4 दिन, आज से ही शुरू हो गया, आपने आशीर्वाद दे दिया। एक्चुअल में कल है मेरा बर्थडे। अरे भैया बक्तामर से जो जुड़े हुए रहते हैं उसका रोज ही जन्मदिन होता है, रोज ही आशीर्वाद मिलता है, ये बात मान लीजिए आप। बिल्कुल दीदी, थैंक यू वेरी मच। ललिता दीदी कल तो भजन संध्या भी है इस उपलक्ष में, शाम को 7 बजे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, होना ही चाहिए। मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है, ये सब आप लोगों का सरप्राइज है। इसी जूम आईडी पे होगा वो। अच्छा, इसी जूम आईडी पे 7 से 9 2 घंटे भजन संध्या, पार्श्वनाथ भगवान का भी कल जन्मोत्सव है। अरे हाँ, वो तो बहुत ही बढ़िया है, 9 तारीख को बहुत सुंदर, शाम को बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, माता जी की यहाँ भी 7 बजे से प्रोग्राम है। कि 8 को है, क्यों ललिता जी 8 को है कि 9 को? 9 को 9 को मना रहे क्या? हाँ 9 को शाम को मना रहे हैं। 9 को कर दे क्या? 9 को कर देते हैं। हाँ तो 9 को कर दीजिए, 9 को कर देते हैं, परसों कर देते हैं जन्मदिन और भजन संध्या। सुबह में चाहे तो पार्श्वनाथ भगवान की जो इनकी है ना पूर्णमती माता जी की छोटी सी पूजा है, भावों से पूजा बोल दीजिए, बहुत अच्छे बोल है। जो 24 तीर्थंकर की किताब है उसमें पार्श्वनाथ भगवान की इतनी, पूर्णमती माता जी के तो भाव ही ऐसे है ना कनेक्टेड सांसारिक शब्दों के साथ में, वो आध्यात्मिकता की ओर लेके जाती है। तो मैं देख के चाहे तो मैं उसको पीडीएफ फाइल आज मंदिर से मंगवा के और आपको भेजती हूँ, आप देखिएगा ये लगता है, क्योंकि 10-15 मिनट से ज्यादा की पूजा नहीं है, 10 मिनट छोटी सी पूजा है। ठीक है, हाँ भावों से कर सकती हैं ताकि उसके भाव का पता चल जाए लोगों को, देख लीजिएगा आप, जन्म कल्याणक है इसीलिए। हाँ भाव से पूजा करा देंगे, और सभी सजदा के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आज अपने बच्चों का हम जन्म मनाते हैं तो कितनी खुशियां मनाते हैं, तो ये तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्मदिन है, तो हम लोग खूब खुशियों के साथ में मनाएं, ये भावना रखें मन में। तिथि एक आगे पीछे हो रही है, वो तिथि ना आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप मना लो उसी दिन जन्मदिन है। चलिए तो एक साथ ही मनाएंगे, नीरज जी का और कृष्णा जी का, और सुलेखा जी भी है आईवीएस में, उनका भी है, दोनों तीनों लोगों का, सबका एक साथ मना लेंगे जन्मदिन। और भजन संध्या इसी आईडी पर रखेंगे शाम को। तो हम प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं और फिर सेशन को एंड करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, बड़ा ही वाला ले लेते हैं सामायिक, अपने सामायिक सेशन चल रहा है तो ये बड़ा वाला ही सामायिक प्रतिक्रमण हम ले रहे हैं, उसी को ले लेते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे
समरम समारंभ आरंभ कृत कार्य तनुमोदना मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ ऐसे 108 प्रकार से हिंसा कर कर्माश्र होए ताको मन वचन काय से त्यागू तन धन कुटुंब के ममत्व को त्यागू चार प्रकार के उपसर्ग विषय चार प्रकार के आहार को त्यागू अरहन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु केवली प्रणीत जिन वचन यही लोक में उत्कृष्ट है इन्हीं की शरण वांच हूँ क्षेत्र के अवगहन आकाश के प्रदेश काल के समय जेती काल सामायिक करूँ तेती काल मर्यादा है छह काय के जीवन के प्रति उत्तम क्षमा करूँ कराऊ और करने वाले को भला जानू पांच मित्यात्व 12 अवरत 15 योग 25 कसाय ऐसे 57 आश्रव कर पाप लगाए होए तस्म इच्छामि दुखड़म नित्य निगोद 7 लाख इतर निगोद 7 लाख पृथ्वी काय 7 लाख अप काय 7 लाख तेज काय 7 लाख वायु काय 7 लाख वनस्पति काय 10 लाख 2 इंद्री 2 लाख 3 इंद्री 2 लाख 4 इंद्री 1 लाख 4 इंद्री 2 लाख नरक गति 4 लाख देव गति 4 लाख तिर्यंच गति 4 लाख मनुष्य गति 14 लाख इस प्रकार 84 लाख योनि माता पक्षी 199 लाख कुल कोटि पिता पक्षी पर्याप्त निवृ पर्याप्त लब्धि पर्याप्त में जो कोई जीव की विराधना करी होए तस्म इच्छामि दुखड़म तथा राग देश कर पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म त्रिदंड त्रिशल्य त्रिगारव करीने पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म राजकथा चोर कथा स्त्री कथा भोजन कथा करीने पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार करीने पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म पंच स्थावर छठवे त्रस जीवन की विराधना पंचेन्द्रिय तथा मन कर करीने पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म अष्टमूल गुण व्रत के अतिचार करीने पाप लागू होए 10 प्रकार बाह्य परिग्रह करीने पाप लागू होए 14 अभ्यंतर परिग्रह करीने पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म 15 प्रमाद करीने पाप लागू होए 25 मल करीने पाप लागू होए 5 अतिचार करीने पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म हमारे सम्यक्त विषय किसी प्रकार दोष लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म हिड़ता बोलता चालता सेवता मार्ग विषय देखे अनदेखे सूक्ष्म बादर कोई जीव चापो होए भय पायो होए त्रास पायो होए छेदन पायो होए भेदन पायो होए दुख पायो होए तस्म इच्छामि दुखड़म यतिराज आरिका श्रावक श्राविका की अभिनय तथा निंदा करी होए कराई होए अनुमोदना करी होए तस्म इच्छामि दुखड़म देव गुरु शास्त्र की अभिनय करी होए संकल्पित द्रव्य के विषय पाप लागू होए सामायिक के 32 दोष में से जो कोई दोष लागू होए 5 इंद्री के 27 विषय कर पाप लागू होए तस्म इच्छामि दुखड़म हमारा किसी के साथ भेद नहीं विरोध नहीं राग नहीं रोष नहीं मान नहीं माया नहीं हमारे समस्त जीवों के साथ उत्तम क्षमा भाव प्रत्यय तथा चौगति दुख निवारण जिन गुण संपत्ति हो मुझम दुख खो कम्मक खो बोही लाओ सुवई गम्मम सम्मम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ओम जय 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 नमोस्तु 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 चत्तारी मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा चत्तारी शरणम भव भव मुझे मिले हे प्रभु आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने हमें दिया इसलिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं तथा आज के इस अनुष्ठान में मुझसे या मेरे सभी पार्टिसिपेंट के द्वारा चल बोलने में समझने में समझाने में सुनने में सुनाने में किसी भी प्रकार के स्वर व्यंजन अक्षर काना मात्रा की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ मैं स्वस्थ हो चुका हूँ मैं स्वस्थ हो चुका हूँ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम सुरक्षितो हम सुरक्षितो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम ओम नमः आरोग्य हम ओम नमः आरोग्य हम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम
बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महंतुंग स्वामी जी की जय जय जय। चलिए बहुत सुंदर बताया रेखा जी ने, सरिता जी ने, सारिका जी ने बहुत सुंदर अपने भाव रखे। हम अभी सेशन को आज एंड करते हैं यहाँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। तो फिर अभी के लिए विदा लेते हैं, कल फिर ठीक इसी समय पर सबसे मिलेंगे। जय जिनेंद्र।